सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर व्लॉग्स। अभी बज रहे सुबह के 8। कब आती है बेटा आपकी कैब? अभी थोड़ी देर बस आने वाली है। तो पास में सुबह सुबह उठ के रिद्धि के सैंडविचेस बना दिए। खा लिए सैंडविच आपने? हाँ जी, और पैक भी कर लिए। अच्छा, पैक भी हो गए हैं आपके? हाँ, लंच भी। वाह। और यार कल मैं चला जाऊंगा हिमाचल, तो कल से यहाँ पे सिर्फ रिद्धि, उपासना एंड डैडी रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो हमारा रेस्टोरेंट वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो सारे शेफ्स वगैरह आ चुके हैं। बस एक वीक बचा है उसकी ओपनिंग में, तो वो सारा वहां पे फाइनल करने मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे उपासना संभालेंगे। क्या क्लब सैंडविच की चटनी बना रही हूँ? कौन सा क्लब है? मैं बताऊँ, मैं रात को नीचे खाना बना रही। मैंने अरुण को क्या, मैं क्या व्लॉग कर लो, कह रहे नहीं मैं काम कर रहा हूँ। नहीं वो उस टाइम पे एक से आप झूठ मत बोला करो। उस टाइम पे ना मैं इनकी कॉम्ब कर रहा था। मैंने कहा कॉम्ब कर रहा हूँ, मेरे को सुनाई थी काम कर रहा हूं। इनकी कॉम्ब कर रहा था ना किटन्स। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सबको खाना है, पापा को खिला के, रिद्धि को खिला के ऊपर गई। उतनी देर में रूम सो रखे है, थक गया था यार मैं काफी। ओह किस चीज से? ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में सोते आए, कैब में सोते आए, घर आके भी सोए। So, रिद्धि और पापा जा चुके हैं। भाई तू प्लीज हट जा, ये वाला तेरा नहीं है प्लीज। तो रिद्धि और पापा के जाने के बाद अब आ गए मेरे ब्रेकफास्ट की बारी। अभी हो रहा है 8:45। ये भी चमत्कार ही होता है कभी। आज हम लोग जल्दी उठ गए एंड उसके साथ साथ फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं रोकती थी, मैंने कई बार जी सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो मुझे मेरे घर छोड़ जाते कि अपने घर जाकर मर, यहाँ पे मरने की जरूरत नहीं है। बहुत टॉर्चर करते थे मेरे को, बहुत ही ज्यादा। क्यों नहीं आप घबराइए, मतलब खुल के बोलिए। ये क्लिप जो आपने देखी है पॉडकास्ट में शूट कर रहा था, बहुत ही दर्दनाक इनकी कहानी थी। जिन लोगों को नहीं पता है ये क्या है ये सारा, मैं उनको बता दूं कि एक ख्वाब करके हमारा चैनल है और मैं एक संस्था है माइका स्वीट होम, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहां पर जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहन बेटियां रह रही हैं, उन सबके हम पॉडकास्ट शूट करते हैं। उनकी जर्नी क्या रही, कि कई ऐसी लड़कियां थी जिनके जो घर वाले की बेटी हो गई उनको छोड़ दिया, पुलिस वाले यहाँ छोड़ के गए अनाथ आश्रम में। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जब किसी बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वालों ने कह दिया कि अपनी बेटी को और लेके और तू चली जा यहाँ से, हमें तो बेटा चाहिए था। ऐसी ऐसी कहानियां हैं ना, आपने ये फिल्मों में जो सुना है, जो अखबारों में पढ़ा है, तो कुछ भी नहीं है। एक बार इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस जाकर देखिए। मैं किसी डोनेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा कि आप कुछ डोनेट करो मेरे को, या कुछ मैं UPI लगा दूंगा स्कैनर कि आप यहाँ पैसे डालो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को देखो, शेयर करो। मे बी आपके लिए वीडियोस कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, पर क्या पता आपका एक शेयर इन वीडियोस को किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँचा दे जिसे इस माइका स्वीट होम, इस अनाथ आश्रम की ज़रूरत है। तो क्या होता है ना, 4-5 दिन के लिए जैसे हम बाहर जाते हैं, सारा काम ऐसे बिखर सा जाता है। आज सारा काम समेटा और दोपहर में तो सारे शूट्स वगैरह थे, आज सारे शूट्स वगैरह उस पे एक फ्लॉट, तो आपने वीडियो देखी थी, दो और सामने आ गए हैं। और मैं तो इतना हैरान हूँ, जीवा आयुर्वेदा इतना, मतलब उसका नाम है, वो स्टिल उन्होंने ये चीज करी है क्लाइंट को मेरे नाम से कि यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ विजिट भी करवा लिया। तो अभी तो क्या है कि सारी इसमें साइबर सेल वगैरह में, अब ये है कि कल तो मैं निकल जाऊंगा, अब मैं वहां जाके फिर ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करूंगा। आज पहले सारा वेबसाइट वाला काम संभाला। अभी बज रहे सुबह के 4:15 और मैं कैब बुक करता रह गया। कोई कैब मतलब अवेलेबल ही नहीं थी लोकेशन में। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो अभी एक कैब है और वो भी 12 मिनट दूर है, तो 4:30 बजे वो आएगी। 5:50 की मेरी ट्रेन है, तो होपफुली हम वैसे आराम से पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि इस टाइम पे अकेले हैं यहाँ पे। हमने हम की उपाधि अपने आप को दी है। आप सोइए जाके, ये फटाफट बस मेरे को गेट तक ड्रॉप कर देंगे और फिर मैं निकलता हूँ। सो यार ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा, मैं वेट कर रहा हूँ कैब का। अब भाई आज तो ऐसा था, एक टाइम पे ना डर लगने लगा, कोई कैब ही नहीं दिख रही दूर दूर तक। ठंड भी बहुत ज़्यादा और धुंध भी बहुत ज़्यादा, तो आज तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। रोटी भी तो नहीं उठा रहा है। हाँ मुझे घर जाना है। अच्छा
सो ये हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और अभी बज रहे हैं 5:24 और हमारी ट्रेन आ गई है। अभी बज रहे हैं 8:15 और ये है बाहर की सिचुएशन। धुंध इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल ब्लर दिख रही हैं। वंदे भारत इस टाइम पे साइकिल की रफ्तार से चल रही है और मुझे लग रहा है कि आज भी करीबन 2 से 3 घंटे ट्रेन लेट होने वाली है। मैं यार बैठ के कर रहा हूँ एडिटिंग। जो हमारा चैनल है डॉक्टर उपासना वोहरा, जहाँ पे हम पेशेंट्स के पॉडकास्ट शूट करते हैं, तो मैं उस चैनल की सारी बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा किस तरीके से तो टाइम को यार पास किया जाए, मतलब किसी तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। पासवर्ड गलत हो गया थोड़ा सा। और ये आ चुके हैं मेरे साले साहब। हाँ जी, और बढ़िया। तनु को ये लग रहा है कि मैं अभी भी ट्रेन में हूँ, उसको हमने बता नहीं रखा था। शंकी सरप्राइज दे रहा है तनु को। आ जाओ चले जी। मेरे को तो किसी ने बताया नहीं था। क्या हो गया तनु? ये चाहता ही नहीं था कि तुम्हें वहां पे लेके जाए। वहां पे कीचड़ हो रखा था ना। हाँ देखो कितना केयरिंग हस्बैंड है। कुछ सीखो, कुछ सीखो। तो यार तनु ने आते ही मेरे लिए कह रहे हैं कि जीजू की मैं स्किन का ध्यान रखूंगी, तो तनु बना रही है ऑरेंज का जूस। तो घर आते ही जूस पीकर हम लोग निकल रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट पे। कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, अपने मुंह से बोलो। मिंट पहाड़ी कैफे एंड रेस्टोरेंट। आहो, याद करवा दिया। 6 लोग जाते हैं आप लोग, तो मतलब आप 6 लोगों का क्या बजट लेके जाते हो आप? जैसे मान लो आपका बर्थडे था, आपने कितने, जैसे आप में से किसने पार्टी दी अभी तक? इनका बर्थडे था, इनका बर्थडे। अपने लिए पार्टी। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट पे और अभी बज रहे हैं 2:15 और आप देख सकते हो मौसम, ये हल्की हल्की बारिश। ये हमारा रेस्टोरेंट जिसका हम पूरा रेस्टोरेंट टूर करेंगे बहुत जल्दी। एक बार इसमें थोड़ा थोड़ा काम बचा है उसके बाद करेंगे। और ये बारिश आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल पहाड़ों की गोद में। उधर धर्मशाला की गोद है, उस साइड हमारी माता चिंतपूर्णी है, इधर बीच में हमारा ये रेस्टोरेंट है। ये सिर्फ इतना नहीं है, ये भी है और इसके नीचे भी है। पूरा टूर करवाएंगे आपको, एक बार इसमें जो बचा हुआ काम है वो हो जाने दो। एक तरीके से ना ये ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन हो रखी है, क्योंकि जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, मैंने कई बार बताया भी था कि 2017-18 में मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला था दिल्ली में, लेकिन कुछ कारणवश वो बंद करना पड़ गया था। तो तब से एक तमन्ना सी थी कि यार रेस्टोरेंट खोलना है, तो वो तमन्ना हिमाचल में आके पूरी हो गई है। इसकी ओपनिंग 7 तारीख को है। सारा हम प्लान कर रहे हैं क्या क्या उस दिन कैसे हमें पूरी इवेंट करनी है। बहुत अच्छी सी इवेंट के साथ रेस्टोरेंट की हम ओपनिंग करेंगे। जो लोग पूछ रहे हैं एड्रेस क्या है, जब आप धर्मशाला की तरफ जाते हो अंब होते हुए तो मेन रोड पे पड़ता है। 1000 रुपए का पेट्रोल। इसको, तो पता ही था। इसको ये नहीं पता पेट्रोल डीजल। मैंने कहा तनु ये पेट्रोल है डीजल है, शीशा खोल के जो भैया ने उनसे पूछ लिया, भैया ये पेट्रोल है या डीजल है? जीरो देख, फ्रॉड हो जाएगा एक और। यार कोई नहीं कोई नहीं, आप सही हो भैया, वैसे फ्रॉड हो रहे हैं हमारे साथ। कह रहे हो ये लो भैया, भैया शादी करके, भैया कह रहे शादी करके किसका भला हुआ है, कह रहे बहुत परेशान हूँ शादी करके। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि सारा जो सामान था वो हमने ड्रॉप किया वहाँ पे दुकान पे, शॉप पे। तो सुबह आके शेफ सारा अरेंज कर लेंगे। तो हमने जितना भी सामान रिक्वायर्ड था वो सारा हमने खरीद लिया है। अब कल से शेफ्स के एक्चुअल वाले ट्रायल शुरू हो जाएंगे। देखते हैं हमारे शेफ कितने खरे उतरते हैं, काफी टफ टेस्ट होने वाला है उनका। और अब हम जा रहे हैं घर। घर हम डिनर करेंगे, शेफ ने बनाई है कढ़ाई पनीर, उसके साथ साथ हम देखेंगे सैम बहादुर। ये 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 ये
सेरिस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट की फाइनली ओपनिंग हो रही है 7 तारीख को। 1 से 2 दिन में उपासना भी फ्री होके दिल्ली से वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, फिर जो बचा हुआ काम है वो सारा निपटा के उसके बाद रेस्टोरेंट की हम करेंगे ग्रैंड सी ओपनिंग। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब।